जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें, जो आज तक 100% सच हो रही है। कलयुग के सत्य। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहाँ देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर 5 भाई वन पर गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर 5 भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। युधिष्ठिर के प्रश्न। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम के प्रश्न। इसके बाद भीम ने बताया उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे, इस तरह इसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत है। यह शरीर मनुष्य की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन के प्रश्न। इसी तरह भीमसेन के बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की रचना लिखी हुई थी, परंतु वे एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगा कि उसकी जल्दी मृत्यु हो जिसके उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, किंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को छीनने के आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई कोई ही होगा। नकुल के प्रश्न। अर्जुन के बाद फिर नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकरा कर वह चट्टान वही रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि छीन होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन का सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरिनाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव के प्रश्न। अपने चारों भाइयों की तरह सहदेव ने भी भगवान कृष्ण से वन की बात बताई। सहदेव ने बताया उसने वन में अनेकों कुएं देखे जिसमें से केवल बीच का कुआं खाली था जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में उत्सुकों एवं बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण, व्यसन और धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों के दूर होंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का
प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये है कलयुग के 5 कड़वे सत्य। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान मित्रों।